हाय दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज की तारीख यानी कि जून के 3rd और 4th वीक में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर। एज एन इंडियन, जो आपके फेवरेट डेस्टिनेशन थे UAE, मालदीव्स, यूरोप, वो सारी चीज़ें मोटा मोटी आज की डेट में भी बंद हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ एज एन इंडियन टूरिस्ट आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं सारी कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पर आपको टूरिस्ट वीज़ा या तो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री मिलता है या फिर टूरिस्ट वीज़ा वो कंट्रीज़ इशू कर रही हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है रशिया। आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बहुत सारे सिटीज़ से वन स्टॉप या नॉन स्टॉप फ्लाइट्स मिल जाएंगी मॉस्को के लिए। आप रशिया जा सकते हैं। रशिया के अंदर जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो भी इशू किया जा रहा है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। रशिया का वीज़ा कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस आज की डेट में कोविड के दौरान, उस प्रोसेस को समझने के लिए एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है हमारे एक फेवरेट यूट्यूबर है वरुण वगीश, उन्होंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया था, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। रशिया जा सकते हैं आप। रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों को जाके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो SOPs फॉलो करनी है वो हर जगह पर फॉलो करनी है। अभी भी आपको RT-PCR रिपोर्ट कैरी करना होगा 72 घंटे के अंदर किया हुआ। उसके अलावा वहाँ पर जाने के बाद रशिया में जब आप प्लान करेंगे वहाँ पर आपको एक एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे SOP जो कोविड ट्रीटमेंट की है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोविड के दौरान आपको पता ही कि काफ़ी सारा मारामारी चल रहा है कि ट्रैवलिंग के केस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। तो बहुत ज़्यादा जो जीवट ट्रैवलर्स हैं वही आज की डेट में ट्रैवल कर रहे हैं, जो लेज़र ट्रैवलर्स थे वो अभी भी अवॉइड कर रहे हैं ट्रैवलिंग को। रशिया के बाद जो अगली कंट्री है वो ईस्टर्न यूरोपियन है, सर्बिया। सर्बिया आप जा सकते हैं, हालांकि फ़्लाइट्स बहुत लिमिटेड हो गई हैं क्योंकि दुबई ने अभी इंडियंस की एंट्री को बैन कर रखा है। सर्बिया जाने के लिए आपको शायद किसी यूरोपियन कंट्री से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। वहां का ट्रांजिट फ्लाइट आपको चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा चेक करना पड़ेगा कि वहां ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। इन सारी चीज़ों की ड्यू डिलीजेंस के बाद ही आप सर्बिया जाइएगा। सर्बिया जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा और साथ ही साथ आपको 48 घंटे के अंदर किया हुआ एक RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी कैरी करना पड़ेगा। ऑफकोर्स वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑन अराइवल टेस्ट होगा, अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो ही आप सर्बिया में घूम सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको लोकल जो SOPs हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगली कंट्री जो इस लिस्ट में है वो यूरोप और एशिया के बीच में है, उस कंट्री का नाम है टर्की। टर्की में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको RT-PCR की जो रिक्वायरमेंट है वो है ही, आपको 72 घंटे के अंदर किया हुआ RT-PCR रिपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी टर्की जाना बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको 14 डेज का क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के अलावा। हालांकि टर्की टूरिस्ट वीज़ा इशू कर रहा है इंडियंस के लिए। अगली कंट्री है इजिप्ट, जहाँ पे आप एज एन इंडियन टूरिस्ट जा सकते हैं। वहाँ पर आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा एंटीजन का, अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको 15 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ्री होंगे इजिप्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये भी बहुत वायबल ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से आज की डेट में ट्रैवल करने के लिए, हालांकि इजिप्ट खुला हुआ है इंडियंस के लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अगली कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जहां पे एज एन इंडियन टूरिस्ट आप जा सकते हैं, वो है साउथ अफ्रीका। वहां पर भी आपको 72 घंटे के अंदर किया हुआ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है आज की डेट में साउथ अफ्रीका के लिए, तो आपको किसी वन स्टॉप फ्लाइट को लेना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा की कंडीशन चेक करने पड़ेंगे तो ही आप साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका जाएंगे वहाँ पर भी आपका टेस्ट किया जाएगा, अगर निगेटिव आता है तो ही आप घूमने जा सकते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, अदरवाइज़ आपको 10 दिन के लिए आइसोलेट करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद आप फ्री होंगे साउथ अफ्रीका घूमने के लिए। सो अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको कोई भी कोविड इन्फेक्शन नहीं है तो आप आराम से साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली कंट्री है वो है आइसलैंड, जो कि है नॉर्थ यूरोप में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत फैसिनेशन है मुझे आइसलैंड जाने का, बहुत मन है, ज़रूर किसी न किसी दिन प्लान करके जाऊँगा। अगर आप भी प्लान करने वाले हैं आइसलैंड का ट्रिप और आपने दोनों डोजेज़ ले रखी हैं वैक्सीन की, तो आप आज की डेट में भी आइसलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा 72 घंटे के अंदर किया हुआ RT-PCR का टेस्ट, आपको लेनी पड़ेगी एक वन स्टॉप फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट आज की डेट में मेरे ख्याल से आइसलैंड के लिए इंडिया से नहीं है। और अगर आप ऑन अराइवल आपने जो टेस्ट कराया है, जो एंटीजन टेस्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपको किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत ही नहीं है, आप आइसलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइसलैंड में चलता है शेंजन वीज़ा, अगर आप आइसलैंड के एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे वो टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप वैक्सीनेटेड आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको टूरिस्ट वीज़ा पे मिल जाएगा। तो ये प्राइमरली जो इंडियन टूरिस्ट के लिए जो 6 कंट्रीज़ है जो फ़िलहाल ओपन है,
सेकेंड वेव के आने के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा इशू करना बंद कर दिया था। हालांकि अभी इसी महीने में, इसी वीक में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है। एक काफ़ी लंबी सी लिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। और एक एजेंसी है VFS, जो कि सबसे बड़ी वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंसी है, उनका लिंक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कंट्री में ट्रैवल करना है किसी स्पेसिफिक रीजन से, उसको रेफ़र करके आप VFS में कॉन्टैक्ट करके अपने लिए वीज़ा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोविड रिलेटेड और जो ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, उनका लिंक आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।